हे एवरीवन, मैं प्रिया कुक विद प्रियंशिश में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी, बहुत हेल्दी, टेस्टी और वेट लॉस के लिए ओट्स के अप्पे। यस, ओट्स के अप्पे। जो जब भी आपको क्रेविंग हो कुछ खाने की, तो आप बहुत इजीली बना सकते हो ये ओट्स के अप्पे। इसमें बनाने के लिए आपको कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पहले ओट्स को भूनना पड़ेगा, फिर उसका पाउडर बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल और बहुत इंस्टेंट बन जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने हाफ कप ओट्स लिए हैं, मैंने रोल ओट्स लिए हैं और 1/4 कप सूजी ली है। इन दोनों को एक बॉल में डाल देंगे और फिर मैंने हाफ कप बटर मिल्क लिया है। अगर आपके पास दही हो तो आप दही भी ले सकते हो। तो बटर मिल्क हम इसके अंदर डालेंगे और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिक्स मिक्स मिक्स, और इसको 10 मिनट्स के लिए साइड में रख देंगे। मैंने पहले इस पर छोटी प्लेट लगानी चाहिए, वो बताई नहीं। मैंने सोचा कि जब तक ओट्स हमारे सोक होते हैं, तब तक क्यों ना वेजिटेबल्स कट कर ली जाए। तो मैंने गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर और बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए हैं। आप अनियन वगैरह भी ले सकते हो, बट हमारे सावन में अनियन यूज़ में नहीं लेते, इसलिए मैंने अनियन यूज़ में नहीं लिया है। तो हमारी ओट्स और सूजी भीग चुके थे, तो उसके बाद मैंने इसको एकदम अच्छे से मैश कर लिया इसी बॉल के अंदर। फिर इसके अंदर मैंने नमक डाला, धनिया पाउडर डाला, लाल मिर्च पाउडर डाली और पुदीने का पाउडर डाला, जो कि मेरा फेवरेट है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, पिंच हल्दी पाउडर, और फिर जो मैंने वेजिटेबल्स कट की थी ना, वो थोड़ी थोड़ी डालेंगे, सारी नहीं डालेंगे। जैसे थोड़ी गाजर डाल दी, शिमला मिर्च डाल दी और टमाटर डाल दिए। फिर इन सब चीज़ों को डालने के बाद ना, हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स मिक्स मिक्स। फिर हम इसको साइड में रख देंगे और हम अब अप्पे के अंदर जो हमारी फिलिंग स्टफ़ करेंगे ना, वो बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने बॉइल्ड आलू लिए थे, 2 ही आलू लिए थे मीडियम साइज़ के। उनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे, जो कि मुझे हाथों से करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो बची हुई सब्ज़ियाँ थी, वो सारी इसमें डाल देंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सब डाल के, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अमचूर पाउडर या खटोरी पाउडर डाल के इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक डोसा बना लेंगे। फिर हम उनके एकदम छोटी 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 बॉल्स बनाएंगे, बहुत छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। छोटी छोटी बॉल्स इसलिए बनाएंगे ताकि अप्पे के अंदर, ये बीच के अंदर ईजिली आ जाए। फिर मैंने टेस्ट करना तो भूल गई थी कि नमक सही है कि नहीं है, तो मैंने इसको टेस्ट भी किया और नमक एकदम परफेक्ट था। तो हम इसको, इनके सारे बॉल्स बना लेंगे और हमारे बॉल्स रेडी है। फिर हम, हमारा जो बैटर था उसमें सोडा डालेंगे, 1/2 टीस्पून सोडा डालेंगे और उसको भी एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिक्स मिक्स मिक्स। फिर मैंने अप्पे पैन लिया है, उसको मैंने कोई ऑयल से ग्रीस नहीं किया, कोई बटर या घी किसी से भी ग्रीस नहीं किया, ये जस्ट ऐसे ही है। इसमें हम कुछ भी यूज़ में नहीं ले रहे, बस मैंने इसके अंदर राई डाली और जब राई तड़कने लगी ना, तो उसमें पहले 1/2 चम्मच हमारा बैटर डाला, फिर बीच में हमारी जो बॉल थी वो डाली बनाई हुई, और फिर वापस ऊपर से एक बटर का और डाल दिया चम्मच। ऐसे करके हमने सारे इसके अंदर अप्पे पैन में डाल दिया, अप्पे घोल, देखिए ऐसे। सॉरी, थोड़ी तबीयत ख़राब है। ये देखिए ऐसे हमारे अप्पे हमने भर दिए अप्पे पैन के अंदर, और हम इसको ना 2-2 मिनट तक पकाएंगे, एकदम लो फ्लेम पे रखेंगे। देखिए 2 मिनट बाद इसका कलर चेंज हो चुका है, अब हम इनको पलट देंगे। देखिए कोई ऑयल, बटर, घी कुछ नहीं है, ये ऑयल फ्री है। इन सबको ऐसे पलट लेंगे धीरे धीरे करके, उछल रहा है, बॉल की तरह उछलना मुछलाई कर रहा है। 3 साइड वाले ना वो पके नहीं थे, तो मैंने उनको ऐसे छोड़ दिया। ये देखिए हमारे अप्पे रेडी है, दोनों तरफ से हमने इनको एकदम गोल्डन होने तक सेक लिया था, क्रिस्पी क्रिस्पी करके। और ये हमारे अप्पे रेडी है। वेट ए मिनट, मैं आपको बीच से दिखाती हूँ। देखिए बीच से हमारी आलू की स्टफिंग भी एकदम अच्छे से दिख रही है ना, और ये खाने में भी उतने ही टेस्टी लगेंगे। अगर आपको अपने बच्चों के लिए भी बनाना है ना, तो आप इजीली बना सकते हो, बच्चों को टिफिन में दे सकते हो। ये देखिए, इसको आप नारियल की चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी सर्व करके खा सकते हो।
और ये सच्ची में अगर आपके घर में गेस्ट भी आ जाएंगे ना, तो आप बहुत इजीली बना के खा सकते हो। मैं खा के बताती हूँ कैसा बना है, और लिटरली बहुत टेस्टी बना है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूले, और ये मस्त मस्त अपडेट भी ट्राई करें। इन्जॉय, थैंक यू।